हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का डीए इंग्लिश एकेडमी में। और आज की क्लास में अपन करेंगे जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में क्लास टेंथ का आया है, 2022 का जो एग्ज़ाम पेपर है आपका, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्लास को शुरू करने से पहले देखिए, सबसे पहले तो जो लेटर लिखते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पर जो दिया एड्रेस जो दिया यहाँ पर 10 राजमहल कॉलोनी 7। जैसे कि सभी का अपना अपना एक एड्रेस होता है, आपका भी होगा, जैसे श्यामला हिल्स भोपाल ऐसे पता है। और जो प्लेस है वो प्लेस क्या है, इंदौर। क्या प्लेस है? इंदौर, मध्य प्रदेश, एमपी की बात कर रहे हैं अपन। अब जो लेटर है वो कितने तारीख को लिखा हुआ है, 5 जुलाई। अब इसमें डेट नहीं दे, 2022 भी हो सकता है या यहाँ पर 2023 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। रिस्पेक्टेड फादर, सम्माननीय पिताजी या आदरणीय। रिगार्ड मिस, यहाँ पर जो वर्ड है इसका मीन्स होता है प्रणाम, रिगार्ड मिस हो जाएगा प्रणाम। आई एम क्वाइट वेल हियर, अब देखिए यहाँ पर क्वाइट जो वर्ड आया, क्वाइट का मिस होता है काफ़ी, और वेल मिस होता है अच्छा, तो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा हूँ या ठीक हूँ, या मैं बहुत बढ़िया बोल सकते हैं अपन, मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो गुड, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि, होप हो गया यहाँ पर आशा या उम्मीद, कि यू आर ऑल्सो गुड, कि आप भी अच्छे होंगे या ठीक होंगे, है ना। और जो यहाँ पर दिया हेल्थ हो गया स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा या आप अच्छे होंगे। आई एम कम्फर्टेबल सेटल्ड हियर एंड माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेरी वेल। देखिए इसको अपन शॉर्ट करके समझ लेते हैं। आई एम कम्फर्टेबल हो गया आरामदायक, तो मैं कम्फर्टेबली हूँ, बहुत आरामदायक यहाँ पर सेटल हूँ, मतलब बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। हियर हो जाएगा यहाँ पर। माई स्टडीज़, और जो मेरी पढ़ाई है, आर गोइंग वेरी वेल, मेरी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही है। वेरी वेल मतलब बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। गोइंग ऑन है मतलब चल रही है। आई एम स्टडिंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, हार्ड कड़ी मेहनत कर रहा हूँ स्टडी पढ़ाई के लिए, मैं अच्छे से बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि गुड मार्क्स, मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए इन द एग्ज़ामिनेशन, परीक्षा में, एग्ज़ाम में। तो जितने भी इंग्लिश वर्ड का जो हिंदी में बता रहा हूँ आप राइट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में, एग्जामिनेशन में अच्छे गुड मार्क्स आ जाए। माई रूममेट्स क्या होता है, जो कमरे में, मान लीजिए आप गांव छोड़कर शहर में रह रहे हैं और एक कमरा लिया आपने किराए से, आपके दो मित्र हैं तो उनके साथ आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर रूममेट्स हो जाएगा, मतलब जो रूम में साथ रहने वाला, तो रूममेट्स है। माई रूममेट्स इज़ वेरी स्टडियस, मेरा जो रूममेट्स है वो बहुत स्टडियस, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करने वाला है, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, स्टडियस। ही आल्सो हेल्प मी, वह मेरी सहायता करता है इन माई स्टडीज़, मतलब मेरी पढ़ाई में वह मेरी सहायता करता है। क्लियर, चलिए बस इतना ही, आपको इतना ही बताना है। रिगार्ड्स टू मदर, माताजी को मेरा रिगार्ड्स कहना, रिगार्ड्स हो गया प्रणाम, माताजी को प्रणाम कहना। और लव टू सीमा, अब देखिए यहाँ पर सीमा जो है उसकी बहन है, कौन है यहाँ पर, सीमा बहन है, तो माताजी को प्रणाम कहना। और मेरी सिस्टर को मेरा प्रेम स्नेह कहना। Yours affectionately, इसको पढ़ते affectionately, मतलब आपका प्यारा है ना, या प्यार से या दुलार से, जो भी यहाँ पर, जैसे कि नाम दिया रोहन, तो जो भी क्वेश्चन पेपर में नाम आए वही आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं है तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नेम है। तो ये एक लेटर था जो कि एनुअल एग्ज़ाम में 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए अनिवार्य है, तो आप लोग इसको पूरा राइट डाउन करिए आपकी बुक में और इसको याद करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे इसी प्रकार के लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़रूरतमंद को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।